आज हम लोग पंचवर्षीय योजना को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का सिक्सेस की 92 में स्वागत है। और चलिए, इससे पहले हम लोग पॉलिटी को देखे थे, आज हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में, कि आखिर पंचवर्षीय योजना जो है यह वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो अभी यह योजना समाप्त हो चुका है। क्योंकि आपको पता होगा, जो पंचवर्षीय योजना का जो बनाने का जो काम था, वह योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। इस योजना आयोग को वर्तमान में जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में, इस गवर्नमेंट के द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग की जब से स्थापना हुई, तब से नीति आयोग के द्वारा जो है वो पंचवर्षीय योजना को नहीं बनाया जा रहा है। योजना आयोग की जो स्थापना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। उसी प्रकार से नीति आयोग जो बनाया गया है, इस नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ साथ से याद रखेंगे। और पंचवर्षीय योजना जो है, इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 वर्ष, अगला जो 5 वर्ष आने वाला है, उस 5 वर्ष में गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया जाएगा, इस संदर्भ में इसकी जानकारी दी जाती थी। देश का विकास दर क्या रखा जाएगा और इस 5 वर्ष में किन मुद्दों पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा, पंचवर्षीय योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव ये था, मुख्य उद्देश्य यह था। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना आ चुका है। कितना? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना जो है वह आ चुका है, पंचवर्षीय योजना हो चुका है या बन चुका है। एक हाँ। दूसरी बात, अवकाश। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो अवकाश लिया गया था, जो अवकाश लिया गया था, उस अवकाश को हम लोग देखेंगे। पहला अवकाश था 1966 से लेकर 1969 तक। दूसरा अवकाश था 1978 से 1980 तक। और तीसरा अवकाश था 1990 से 1992 तक। ठीक है, आप जब इसको देखिएगा तो 3 2 5 2 7 टोटल आप जब नोट कीजिएगा तो इस पंचवर्षीय योजना में 7 वर्ष जो है यह अवकाश रहा, 7 वर्षों का यह अवकाश चला था। सबसे पहली बात तो आप यहाँ से यह देखेंगे, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक, आप लोग ध्यान से देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कुछ कुछ नोट करने का। आर्थिक नियोजन का जनक, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत में आर्थिक नियोजन का जनक भी कहा जाता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष तो अप्रैल टू मार्च, वित्तीय वर्ष अप्रैल टू मार्च होता है, फिनेंशियल ईयर जो कहते हैं, यह अप्रैल टू मार्च होता है। अप्रैल मतलब क्या, 1 अप्रैल, और मार्च के मतलब क्या, 31 मार्च। तो भारत का यह वित्तीय वर्ष हुआ जो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। और भारत में आर्थिक नियोजन का जो जनक है वह किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ से यह देखेंगे, आप लोग नोट भी करते चलिएगा। दीपांश जी किधर देख रहे हैं आप, इधर देखिए। अब देखिए आगे, इसमें पहला पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल के संबंध में समझने से पहले कुछ बात को और हम लोग देख लेते हैं। जो पंचवर्षीय योजना जो है, यह जो पंचवर्षीय योजना है, यह विषय किसका है? तो यह विषय है समवर्ती सूची का। क्या विषय है यह? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची। और भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियां हैं। इस 3 सूची में एक सूची है समवर्ती सूची। तो ये विषय कहाँ का है? तो यह विषय है समवर्ती सूची का। सबसे पहली बात तो ये आ गया। और भारत में जो आर्थिक नियोजन का जो चलन है,
भारत में आर्थिक नियोजन का चलन यह रूस से लिया गया। भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का चलन रूस से लिया गया है या रूस से ली गई है। एक बात तो यह याद रखेंगे। दूसरी बात, विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। यस ठीक, विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था वो चला था 1927 से 1932 तक, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बातों को हम लोग देखे पंचवर्षीय योजना में। अब एक एक योजना आपके सामने लाया जाएगा और आपको बताया जाएगा उस योजना के तहत क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए मजे से पढ़ाई कीजिए आप, घबराइए नहीं। जो 30 सितंबर को एग्जाम है, क्या होगा नहीं होगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े, अभी बहुत समय है। अभी तो आपके पास जो 60 दिन का जो समय है, उस 60 दिन में यदि आप एकाग्रचित होकर 10 से 12 घंटे यदि आप पढ़ाई करते हैं, अपने एम पर यदि आप फोकस करते हैं, अपने लक्ष्य पर यदि आप फोकस करते हैं, तो आप बिलीव कीजिए कि लक्ष्य को आप पा सकते हैं। जितनी अधिक मेहनत होगी सफलता उतनी ही अच्छी प्राप्त होगी आपको, ये हमेशा याद रखना है। और कमीशन का कोई भी एग्जाम या जीवन का कोई भी एग्जाम, उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि जीवन का कोई भी एग्जाम जो है उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। जीवन के किसी भी एग्जाम का कोई भी शॉर्टकट तरीका कभी भी नहीं हुआ है, उसके लिए आपको मेहनत ही करना होगा। और मेहनत का बस एक ही तरीका है कि कठिन मेहनत, ये याद रखना है। अब देखिए एक एक योजना के बारे में देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से लेकर 1956 तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया? तो कृषि क्षेत्र पर जो है वो ध्यान दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? आपसे सीधा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, या निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ध्यान दिया गया? तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। किस मॉडल पर? कभी कभी मॉडल पूछ लिया जाता है कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित था, या प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक रहा? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से लेकर 1956 तक चला। इन तीन बातों को तो हमको याद रखना ही है। अब देखिए इस 51 से 56 के बीच में जो भी घटना हुआ है वो सब हम लोग देखेंगे। अब देखिए विशेष तीन बहुउद्देश्यीय परियोजना, लिखते चलिएगा सभी लोग, तीन बहुउद्देश्यीय परियोजना लाया गया। तीन बहुउद्देशीय परियोजना, क्लियर? पहला भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, परियोजना कहाँ? तो हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा प्लस पंजाब में, भाखड़ा नांगल परियोजना हरियाणा और पंजाब में। यह किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। दूसरा, सभी लोग लिखते जाइएगा क्योंकि आपका नोट्स एग्जाम के टाइम में आपको बहुत फायदा देगा, इसलिए ये मत सोचिएगा कि जो लिखे कि नहीं लिखे, सभी लोग लिखते जाइएगा। दूसरा, दामोदर घाटी परियोजना, किस नदी पर है? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, किस नदी पर है? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। स्टेट जब पूछे तो झारखंड और बंगाल, झारखंड प्लस बंगाल, यह याद रखेंगे। और तीसरा जो परियोजना है वो है हीरा कुंड परियोजना। तीसरा कौन सा है? हीरा कुंड परियोजना। हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर है? हीरा कुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है, और वो कहाँ है? तो वह उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर, और महानदी उड़ीसा, वही उड़ीसा जहाँ के बालासोर में
अभी हाल ही में जो ट्रेन दुर्घटना हुआ था, आप सबको याद होगा कितनी भयावह स्थिति हुई थी और कितने लोग मारे गए थे इस दुर्घटना में, यह यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। पहला परियोजना था भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर है, कहाँ है, हरियाणा और पंजाब में। दामोदर घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पर है, कहाँ है, झारखंड और बंगाल में। और तीसरा है हीरा कुंड परियोजना जो कहाँ है, महानदी, और महानदी कहाँ, उड़ीसा में है। अब देखिए और मुख्य बात इससे क्या आप कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से, प्रथम बार परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, 1952 में। प्रथम बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, 1952 में। 1952 का मतलब क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक चल रहा है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल चला 1951 से 56 तक। देखिए 51 से 56 के अंदर ही ये सभी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर, ठीक है, हट जा रहे हैं, उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिए, पहले आप लोग उतार लीजिए इसको जल्दी से। चलिए ठीक, अब देखिए एक चीज और, आरएस कमल के राज्यसभा, राज्यसभा का गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952, और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक 13 मई 1952, दिख रहा है, यस, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए विकास जी, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 और इसका पहली बैठक 13 मई 1952। नहीं, ये इसलिए लिखा रहे ये सभी बात, कहिए होगा एक प्रश्न है कि जो ये सभी से संबंधित कैसे है, संबंधित है क्योंकि 51 से 56 के बीच में जो घटना हुआ था, हम लोग उसको एक जगह प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नोट कर ले जिससे याद रहे। और लोकसभा का मतलब कि आम चुनाव भी 1951-52 हुआ था भारत में, यह भी याद रखेंगे आप। ठीक, इसके बाद सतलज नदी पर जो है नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना और सर हिंद नहर परियोजना, कौन कौन सा, नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना और सर हिंद नहर परियोजना, ये तीनों परियोजना जो है, यह तीनों का तीनों परियोजना कहाँ है, तो ये तीनों परियोजना है सतलज नदी पर, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्लियर हुआ, उनसे संबंधित सभी बातों को आप लोग नोट कर लिए, गुड, यस 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 राघव जी, अमृत अमृत जी, यस सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत की नहीं को, गुड। अब चलिए अब चलते हैं आगे, यह था प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित जितनी भी घटना हुई थी उन सबों को हम उन सभी को हमने क्या किया, एक जगह इंक्लूड करने का प्रयास किया। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 मॉडल पीसी महानवीस मॉडल पर आधारित था और प्राथमिकता के तहत उद्योग क्षेत्रों पर जोर दिया गया। ये मॉडल और एसबी और उद्योग, ये तीन बात तो आपको याद रखना ही है पंचवर्षीय योजना से, ये हमेशा याद रखिएगा। पहला, प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया। दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक, 56 से लेकर 61 तक। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्योग क्षेत्रों पर उद्देश्य था इसका प्राथमिकता, और मॉडल क्या था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना जो था यह आधारित था। किस पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित था। अब देखिए इसमें क्या किया गया, इस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो अब आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा कि
इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की है। किसका? 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। अब देखिए वो कौन कौन सा था। 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने, ठीक है, लौह इस्पात कारखाने। पहला आप बोल सकते हैं राउरकेला, दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र और तीसरा दुर्गापुर। और सब में आप लगा लीजिए इस्पात, इस्पात। अब क्या है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की 3 लौह इस्पात कारखाना की जो स्थापना है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था। इसमें राउरकेला पंचवर्षीय योजना का जो स्थापना है वह जर्मनी के सहयोग से किया गया था। कहाँ किया गया था? यह उड़ीसा में किया गया था और यह कहाँ था? जर्मनी के सहयोग से। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वह जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और यह है कहाँ? तो राउरकेला सब पता ही, उड़ीसा, वही उड़ीसा, वही उड़ीसा जिसे वर्तमान में भी ओडिया बोला जाता है। और उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी मंदिर है और उड़ीसा के बालासोर में ही, आपको याद होगा, उड़ीसा के बालासोर में ही क्या है, तो उड़ीसा के बालासोर में भी हाल ही में घटना घटित हुआ था। अब दूसरा है कि जो भिलाई, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। क्लियर? यस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान से और बहुत ही आसान भाषा में हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही स्लो बोल रहे हैं, तो इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो पहला था राउरकेला, दूसरा था भिलाई और तीसरा था दुर्गापुर। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई किसके सहयोग से? भिलाई रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। यस, ठीक। आप लोग प्रयास कीजिए कि जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास भी थोड़ा सा, यदि ये वीडियो पहुंच जाएगा तो कोई खराबी नहीं करेगा उनके पास भी, ठीक, यदि आप लोगों के पास समय हो तो, और कोई अन्यथा कोई बात नहीं है। अब देखिए और क्या हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 को। दो अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति, 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, मेहता समिति, इस सिफारिश पर, आप सभी को पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस चीज से है, तो आप लोग को नाम सुने होइएगा, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित हैं। और इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से, राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से, राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से पंचायती राज, बगदरी गांव में पंचायती राज का गठन किया गया, का गठन किया गया, का गठन किया गया। कब किया गया? तो आप कह सकते हैं जो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप सबको पता होगा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर?
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। उतार लिए, जल्दी से उतारिए आप लोग। चलिए ठीक, अब आगे चलिए। छप्पन सेक्सठ तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना, 1 मई। और याद होगा 1 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्लियर? और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना भी 1956 में हुई। ठीक है, ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 में। क्यों ये सब बताया जा रहा है? क्योंकि 56 से 61 में जितनी भी घटनाएं हुई उस सभी को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, एपी हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में। एपी हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1954 में एपी हाई कोर्ट की स्थापना 1954 में की गई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1954 में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना, एमपी हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में किया गया, जबकि गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना, गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में किया गया, और केरल हाई कोर्ट की भी स्थापना 1956 में किया गया। केरल हाई कोर्ट 1956, केरल हाई कोर्ट असम में कब की गई? 1956 में। क्लियर? जल्दी सुधारिए आप लोग। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्य बनाए का गठन किया गया। 1 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ONGC की स्थापना 1956 में किया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1954 में हुई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में हुई थी। केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में हुई थी। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में हुआ था। चलिए लिखिए। इसके बाद दूसरा वित्त आयोग लिख लिए। नेक्स्ट, दूसरा वित्त आयोग का गठन, फाइनेंशियल कमीशन का गठन, वित्त आयोग का गठन 1956 के संथानम अध्यक्ष के संथानम। और वित्त आयोग का चर्चा, वित्त आयोग का चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत और प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, आयोग का गठन। इसके द्वारा तो प्रेसिडेंट के द्वारा कब किया गया? 1956 में किया गया। ठीक है, और क्या किया गया? समझ रहे हैं मेरी बातों का आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, विस्तार पूर्वक नहीं, ये सब पढ़ना है तो क्यों ना हम एक साथ पढ़ लें। कोई दिक्कत हो रहा है क्या?
देखिए हमें और आसानी होगी सिर्फ वन लाइनर ये बता के निकलते चले जाएंगे हम, लेकिन आपको परेशानी होगी, फिर आपको अलग से फिर इतना रटना ही पड़ेगा। तो सच्चा एक साथ क्यों ना हम सबको लेकर चलें, क्या परेशानी हो रही है दीपा जी आपको? नहीं परेशान मत होइए, कमीशन के लिए आए हैं, कमीशन एक मैराथन दौड़ की तरह है, इसमें आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब क्या है इसके बाद, सातवां संविधान संशोधन जो है वो 1956 में किया गया, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सातवां संविधान संशोधन कब किया गया इसको आप यहाँ लिख लीजिए, सातवां संशोधन 1956, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक, यह अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब टाइम पीरियड चल रहा था उसी के दरमियान ये सारा घटना घटित हुआ एक साथ। क्लियर, कोई डाउट कि नहीं को? नहीं, गुड। अच्छा क्या बोले, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं? नहीं स्लो नहीं पढ़ा रहे, हम चाह रहे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो आप हमको नहीं देखें इसका मतलब फास्ट बोलते हुए, हम हमेशा फास्ट ही पढ़ाते हैं। ठीक चलिए आगे, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत? और हाँ क्या है, ठीक, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित, याद कीजिए आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है वो भाषाई आधारित पर गठित। भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1953 1953 में हुई थी। ठीक नेक्स्ट चलिए, अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? 1961 से लेकर 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? सुखमई चक्रवर्ती मॉडल। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस पर दिया गया? कृषि उद्योग क्षेत्र पर बल दिया गया। तीसरा में किस पर दिया गया? कृषि उद्योग पर। पहला में क्या था? कृषि पर। दूसरा में क्या था? उद्योग पर। और तीसरा में क्या है? कृषि और उद्योग, अब दोनों दोनों एक साथ करके यह दिया गया। ठीक है, अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का टेन्योर क्या है? 1961 से लेकर 1962 तक। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि विश्व उद्योग के लिए 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना की गई। पहला इसमें क्या किया गया? IDBI की स्थापना कब की गई? 1964 में। IDBI की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई। और 1965 में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, कब? 1965 में। अब तीसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखिए 1965 में बोकारो लौह संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई, संयंत्र रूस के सहयोग से, स्थापित किया गया, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। क्लियर, 1965 में बोकारो लौह संयंत्र जो है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो बोकारो लौह संयंत्र जो है यह रूस के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया। और बोकारो लौह संयंत्र कहाँ है तो आप सबको पता है, यह बोकारो कहाँ है? झारखंड में, तो झारखंड में। और झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राधा कृष्णन जी झारखंड के राज्यपाल हैं। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। हेमंत सोरेन वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, यह भी आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कृषि के क्षेत्र में क्या किया गया इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यहां तक तो लिख लिया, आगे चले। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना को हम लोग पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। FCI फूड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई। इस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था यह, तो यह भी हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्लियर, उसके 1965 में ही APC की स्थापना की गई, 1965 में ही APC की स्थापना की गई, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर
प्राइस कमीशन कमीशन का गठन किया गया? एपीसी का गठन कब किया गया? 1965 में, और 1985 में एपीसी का नाम बदलकर 1985 में एपीसी का नाम बदलकर, नहीं, 1985 ये कहा जा रहा है कि इसका नाम ये नहीं, इसका टेन्योर टेन्योर 1965 तक ही है, लेकिन इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? CACP, क्या कर दिया गया बदलकर? CACP, किसका नाम बदल कर दिया गया? एपीसी का। तो क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज CACP का पूरा नाम होता है। तो ये सब घटना कब हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सारी घटना हुई। अब देखिए, अब क्या हुआ? 66 के बाद, आपको याद होगा शुरू में ही बताए थे कि उसके बाद 66 के बाद 3 साल फिर गैप चला। अब देखिए, इसमें विफल जो योजना हुआ वो क्यों हुआ, विफलता क्यों हुआ 66 के बाद? अब देखिए, 66 के बाद 1966 से लेकर 1969 तक, 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना जो नहीं चली थी, इसका क्या कारण था? और इस योजना को आप कह सकते हैं प्रथम योजना अवकाश भी कहते हैं। किसके? 66 से 69 को क्या कहते हैं हम लोग? प्रथम योजना अवकाश। प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक चला था? तो प्रथम योजना अवकाश 1966 से लेकर 1973 तक चला था। अब देखिए, इसमें हुआ क्या? तो आप कह सकते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिससे हम लोग बहुत त्रस्त हुए थे। एक तो गरीबी थी, भुखमरी थी। भारत चीन युद्ध 1962 में, उसके कुछ ही दिनों बाद आपको याद होगा 1965 में भारत पर पाकिस्तान हमला बोल देता, और भारत पाकिस्तान युद्ध होता 1965 में। और 1965 में ही याद होगा आपको कि भारत में भीषण अकाल भी पड़ता है, भारत में जो है वह भीषण अकाल भी पड़ता है 1965 में। तो इस वजह से जो है यह जो प्रथम योजना अवकाश है, इसमें कोई भी योजना नहीं बनाया जा चुका था। तो आप कह सकते हैं विफल योजना का क्या कारण था? तो 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान पहला युद्ध, और 1965 में ही इंडिया में भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण से जो योजना बनना चाहिए था वह विफल हो गया, वह नहीं बन पाया। अब देखिए, इसका क्या है? 66 से 69 जो है इसको बोलते हैं प्रथम योजना अवकाश, और इसका कार्यकाल 1966 से 1969 तक था, और इसमें प्राथमिकता था कृषि उत्पादन दर में वृद्धि, कृषि उत्पादन दर में वृद्धि, कृषि उत्पादन दर में वृद्धि। यह किसका लक्ष्य था? तो प्रथम योजना अवकाश का यह लक्ष्य था। और विशेषता क्या था 1966-67 में? आपको याद होगा 1966-67 में भारत में हरित क्रांति चला था। भारत में हरित क्रांति कब चला था? हरित क्रांति चलाया गया कब? तो 1966-67 में, ठीक। और आप लोगों को यह भी याद होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? जून 1966 में दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, ठीक है। जून 1966 में, जून 1966 में दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, अवमूल्यन किया गया। कब किया गया? लिख रहा है, हाँ लिख लीजिए, जून 1966 में दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, और सितंबर 1949 में मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार किया गया। लिख लिए,
चलिए अब आगे देखिए। हाँ सितंबर 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। दूसरी बार कब किया गया? 66 में पहली बार कब किया गया? 1949 में। और तीसरी बार कब किया गया मुद्रा का अवमूल्यन? तो आप कह सकते हैं जुलाई 1991 में तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? 1991 में। क्लियर? सभी लोग नोट कर रहे हैं ना? यस, नोट कीजिए, क्योंकि नोट रहेगा तो आगे बहुत फायदा देगा। क्लास को सीरियस होके क्लास को लीजिए। क्लास में बैठकर बातें कम कीजिए और पढ़ाई पर अधिक ध्यान दीजिए। आपका एग्जाम वन डे एग्जाम नहीं है, जो सोच रहे हैं कि एक एग्जाम क्वालिफाई किया और नौकरी ले लिए। कमीशन का एग्जाम है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, इसलिए प्रत्येक बात को ध्यान से सुने आप लोग। क्लियर? अब चलिए, अब चलते हैं आगे। अब क्या था, तीसरा पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद अब आप लोगों को याद होगा कि योजना अवकाश भी हो गया, और योजना अवकाश के बाद अब क्या आएगा? तो अब आएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्या आएगा? तो चौथा पंचवर्षीय योजना जो है यह अब आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर, योजना अवकाश 66-77 कार्यकाल और कृषि उत्पादन में दर में वृद्धि करना, ये हो गया। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक है? 1969 से लेकर 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यकाल है। मॉडल अशोक रुद्र मॉडल गॉडगिल अशोक रुद्र मॉडल या गॉडगिल एलन मॉडल पर, यह याद रखना है। अशोक रुद्र मॉडल बोले या गॉडगिल एलन माले मॉडल बोले, तो इस मॉडल पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्थित था। ये ऑब्लिक दे दिए हैं, या अशोक रुद्र मॉडल बोले या गॉडगिल मॉडल बोले, उस पर आधारित था। और प्राथमिकता क्या था इसमें? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास दर पर जो था वह बल देना था, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आपको याद होगा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। का राष्ट्रीयकरण किया गया कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। आपको याद होगा इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी पहली बार देश की प्रधानमंत्री कब बनी? 1966 में। और जब वो देश की प्रधानमंत्री बनी पहली बार, तो वह राज्यसभा की मेंबर थी। आपको यहाँ से यह भी याद रखना है। क्लियर? तो 1969 से 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यकाल है, इसके बीच में यह सारी घटना हुआ। और आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, इसी के बीच में एचपी हाई कोर्ट, मतलब क्या, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई 1971 में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1971 में। और उस समय, जिस समय 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय आरबीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो एलके झा, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जिस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो एलके झा उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। एचपी हाई कोर्ट, मतलब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना से खत्म किया गया। और तीसरा परिसीमन आयोग का गठन, तीसरी परिसीमन आयोग की गठन कब की गई? 1973 में। तीसरी परिसीमन आयोग का गठन, आयोग का गठन 1973 में किया गया। यह भी यहां से याद रखेंगे। प्लस आप कह सकते हैं भारत में सर्वाधिक कृषि उत्पादन जो है यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। भारत में सर्वाधिक कृषि उत्पादन,
इस कारण से, तो हरित क्रांति के कारण से भारत में सर्वाधिक कृषि उत्पादन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो चतुर्थ कृषि उत्पादन हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। रीजन क्या था? तो आपको याद होगा 66-67 में भारत में हरित क्रांति चलाया गया था, इस वजह से यह हुआ। ठीक है, उसके बाद सेल की भी स्थापना आपको याद होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी स्थापना 1974 में हुई थी। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना, मेघालय त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बोलिए। ओ यस यस, ठीक, सही है। सॉरी, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी 1972 में, ना कि हाई कोर्ट की स्थापना 1972 में। ठीक है, राज्य की स्थापना हुई थी 1972 में, राइट। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1972 में। अब देखिए, इसके बाद लिख लिए सभी, सब चीज़ लिख लिए आप लोग? अच्छा, तो मैं रुक जाए, ठीक, लिखिए जल्दी से लिखिए। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो। ठीक, अब देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, अब आएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखिए, आपको यहाँ पर लिख रहा है 1974 से 1978, यह पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था। और यह किस मॉडल पर आधारित था? यह डीपी धर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? डीपी धर मॉडल पर पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित था। और इसका प्राथमिकता क्या था? इसमें गरीबी उन्मूलन पर बल दिया जाना पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था। क्या था? गरीबी उन्मूलन पर बल दिया जाना पांचवी पंचवर्षीय योजना का विशेषता था, या आप कह सकते हैं कि मेन फोकस बिंदु था यह इसी का था। और आप शासन देख सकते हैं 74-77, आपको याद होगा इस समय भी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही थे। और 1974 के बाद, एक साल बाद 1975 में क्या लगा था आप लोगों को याद होगा? 1975 में भारत में इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दरमियान, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। जो अभी तक हटा है या नहीं वो तो आप लोग जानते होंगे। दिया गया कब? 1975 में दिया गया। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये भी पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत में किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी द्वारा। और 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। 1975 में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बल दिया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बल दिया गया। कब दिया गया? 1975 में। 1975 का क्या मतलब हुआ? पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में यह हुआ था। उसके बाद 2 अक्टूबर 1977 को, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को।
और आप कह सकते हैं 1975 में तीसरी बार वो अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल अंतिम बार इसलिए है क्योंकि उसके बाद अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में। ठीक है, जल्दी से उतारिए आप लोग। फुर्ती में 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीब घरों का नारा दिया गया। 1975 में ही 20 सूत्री कार्यक्रम पर बल दिया गया। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना स्थापित किया गया। और 1975 में ही तीसरी बार इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया, तो इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, उसका प्रयोग किया गया। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। अब उतार लिए, ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इसको बोलते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना जिसको बोला गया यहाँ पर, रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 1980 तक 2 साल का यह गैप रहा। गवर्नमेंट कौन थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, क्योंकि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी सरकार गिर जाती है और उसके बाद जो चुनाव होता है उस चुनाव में जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है और जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री रहते हैं मोरारी देसाई। तो इनके द्वारा यह काम किया जाता है कि जो उस योजना के बाद अनवरत योजना लाया जाता है, और अनवरत योजना को रोलिंग प्लान योजना के भी नाम जानते हैं। जनता सरकार द्वारा यह लाया जाता है और ये किस मॉडल पर रहता है, तो यह रहता है गुरनार मिडिल मॉडल पर आधारित रहता है। और इसको बनाया किसने था, तो डीटी लकड़वाला के द्वारा यह बनाया गया था। क्लियर, किसी द्वारा बनाया गया था, तो डीटी लकड़वाला के द्वारा यह बनाया गया था। और 15 अगस्त 1979 को ट्राइसिम योजना आया था। यह एक चीज इससे समझ रखना, अनवरत योजना के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 15 अगस्त 1979 को ट्राई सेम योजना शुरू किया गया। क्लियर, पंद्रह अगस्त 1979 को ट्राई सेम योजना शुरू किया गया। यह कब, तो अनवरत योजना के दरमियान। इन्हें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना बहुत आसान है। छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1980 से 1985 तक, मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को बल दिया गया। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को बल दिया किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से चला था, तो आप कह सकते हैं ये छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह चला था 1980 से लेकर 1985 तक। और इसका मॉडल क्या था, तो इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। और इस पर प्राथमिकता क्षेत्र क्या था, इसका इसका प्राथमिकता क्षेत्र था निर्धनता, मतलब क्या निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल देना, मतलब क्या गरीबी जो हटाओ का जो नारा दिया गया था उस पर काम करने के लिए यह दिया गया था। ठीक है, अब देखिए 2 अक्टूबर 1980 को, अब इसके संबंध देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1980 को IRDP की स्थापना कब की गई, 2 अक्टूबर 1980 को IRDP की स्थापना की गई, जिसे समन्वित ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड, मतलब क्या समन्वित डेवलपमेंट, समन्वित ग्रामीण विकास बैंक, समन्वित रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास प्रोग्राम या कार्यक्रम, मतलब कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 2 अक्टूबर 1980 को चलाया गया। क्या चलाया गया, IRDP, इंटीग्रेटेड मतलब समन्वित रूरल मतलब गांव डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। क्लियर, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर? तो शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर, शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई, ये भी लिख लीजिएगा। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आईजी पटेल उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। कौन? आईजी पटेल आरबीआई गवर्नर उस समय थे। और अभी कौन है आरबीआई गवर्नर? वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्लियर? और 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। और गरीबी के निर्धारण के लिए कैलोरी को आधार बनाया गया। गरीबी के निर्धारण के लिए कैलोरी को आधार बनाया गया। ये सब कहाँ किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में आधार बनाया गया। क्लियर? जल्दी सुतारिए अब आप लोग। 2 अक्टूबर 1980 को आईआरडीपी की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। सिफारिश फर्म 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आईजी पटेल उसमें आरबीआई गवर्नर थे। वर्तमान कौन है आरबीआई गवर्नर? तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया, जबकि बैंकिंग अधिनियम 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। उसके बाद 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। और गरीबी के निर्धारण के लिए कैलोरी को आधार बनाया गया। ये सभी घटना जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान घटा था, उस सभी को हम लोगों ने एक साथ लिखने का प्रयास किया। क्लियर? छठी पंचवर्षीय योजना से आप लोग इन सभी बातों को याद रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना से आप इन सभी चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर? यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चला था। प्राथमिकता क्या था इसका? तो रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल देना। प्राथमिकता क्या था? रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल देना। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना, सेबी स्थापित हुआ। 12 अप्रैल 1988 को क्या स्थापित हुआ? सेबी। तो मतलब क्या 88 का मतलब क्या? 85 से 90 यह चला। और 1 सितंबर 1986 को पोस्ट विभाग के द्वारा, 1 सितंबर 1986 को पोस्ट विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट शुरू किया गया। स्पीड पोस्ट स्टार्ट किया गया। कब किया गया? 1 सितंबर 1986 को। और 1 जुलाई 1987 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1 जनवरी 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टार्ट किया गया। और प्रोफेसर राज कृष्णा हिंदू बिरिधिदर बताए थे। ठीक, लिख लिए, लिखिए एक बार। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा, अच्छा हम बोल देते हैं। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना किया गया। 1 सितंबर 1986 को पोस्ट विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट शुरू किया गया। 1 जनवरी 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शुरू किया गया। कंज्यूमर का मतलब है उपभोक्ता होता है। और प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है? ठीक, नेक्स्ट।
अब देखिए, अब खत्म हो गया, अब लंबा क्लास नहीं है, खत्म हो गया। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद देखिए अब क्या है। द्वितीय योजना अवकाश 90 से 92 में विशेष 24 जुलाई 1991 का आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ। 24 जुलाई 1991 को आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ। 24 जुलाई 1991 केंद्र सरकार पश्चिमी औद्योगिक नीति को अपनाया था, और जुलाई 1991 को तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन कब किया गया? जुलाई 1991 को। और पांचवी नहीं होगा, या पांचवी औद्योगिक नीति को 24 जुलाई 1991 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया। ये तीन बिंदु है द्वितीय योजना अवकाश जो 1990 से 1992 तक चला था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक, और मानव संसाधन विकास पर बल सबसे सफल योजना यह रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल योजना भी बोला जाता है, और इसका काम क्या था? तो मानव संसाधन विकास पर बल देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब हो गया मुख्य रूप से, अब सभी योजना हो गया। अब आप इसके बाद एक बार आप पुनः जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि जो ये सब आपको एक बार में याद हो जाएगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, और इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल देना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल देना, यह नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, समावेशी विकास पर बल देना दसवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। दसवीं पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था क्या? समावेशी विकास पर बल दिया जाना। नेक्स्ट देखिए, अब आप 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका आप देख लीजिए। 2007 से 2012, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो आप सीधा याद रखेंगे 2007 से 2012 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। इसका लक्ष्य विकास दर का लक्ष्य था 8%, लेकिन प्राप्त हुआ 7.9%, और सर्वाधिक विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? सतत समावेशी तीव्र विकास पर बल देना। सतत समावेशी तीव्र विकास पर बल देना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। लक्ष्य कितना रखा गया था? 8%। प्राप्त कितना हुआ? 7.9%। नेक्स्ट देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2012 से 2017 तक रहा, और सर्वाधिक व सामुदायिक सेवाओं सर्वाधिक व्यय और सामुदायिक सेवाओं का जो यह दौर चला। लक्ष्य था इसका तीव्र सतत समपोषी समावेशी विकास पर बल देना। लक्ष्य तीव्र सतत समपोषी समावेशी विकास पर बल देना। आर्थिक वृद्धि दर प्रारंभ में 9%, बाद में 8%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 7.6%। 64वीं या 63वीं बीपीएससी में आप जाकर देखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? आर्थिक वृद्धि दर का तो 9% रखा गया था, बाद में घटाकर 8% फिक्स किया गया, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 7.6%। क्लियर। पुनः सुनिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961, तीसरा 1961 से 1966, फिर आ गया अवकाश 1966 से 1969, उसके बाद 1969 से 1974, 74 के बाद 74 से 78, फिर इसके बाद 80 85 85 90, फिर 90 से 92, फिर अवकाश है 92 से 97, 97 से 2, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017। अंतिम पंचवर्षीय योजना था वह 12वीं पंचवर्षीय योजना था। इसी तरह से आपको एसवी, सबसे पहले एसवी याद करना है, दूसरी बात कौन सा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था यह याद करना है, और उसका लक्ष्य क्या था यह याद करना है। तो बिलीव कीजिए, जो आप लोगों को पंचवर्षीय योजना से यदि प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा। क्लियर। कि नहीं, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत है? सभी लोग नोट कर लिए? यस, गुड। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक, धन्यवाद।